सोमवार को मोहन कैबिनेट की बैठक में हुई बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए गए, जिसमें लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मर्जर और जनजातीय कार्य विभाग के अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षकों को छठवें वेतन का लाभ दिए जाने का फैसला शामिल है। इसके साथ ही शिक्षा और सिंचाई के लिए भी मुख्यमंत्री मोहन यादव की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय संत आचार्य विद्या सागर जी को श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट मीटिंग में अगले महीने से उज्जैन में शुरू हो रहे मेले में ग्वालियर व्यापार मेले की तरह वाहन खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट देने का फैसला लिया गया है। वहीं नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसले को लेकर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा, उज्जैन में कार्तिक मेला काफी समय से लगता आ रहा है। अगले महीने से लगने वाले इस व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल पर छूट देने का फैसला कैबिनेट में लिया गया है। जिस तरह ग्वालियर मेले में 50% की छूट दी जाती है, वैसे ही उज्जैन के मेले में छूट दी जाएगी। बहुत ही महान संत आचार्य विद्यासागर जी के शरीर त्यागने पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन भी रखा गया और निश्चित रूप से एक बहुत बड़े संत को समाज ने खोया है, इसके प्रति दुख भी प्रकट किया गया। साथ ही अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर जो बना है, वह निश्चित रूप से इस देश के लिए बहुत गौरव की बात है और विशेषकर हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने वाला है। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री को एक धन्यवाद पत्र भी कैबिनेट के माध्यम से दिया जाएगा। इस व्यापार मेले में उसको और आकर्षित करने के लिए ऑटोमोबाइल्स पर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। जिस प्रकार ग्वालियर के मेले में ऑटोमोबाइल्स को टैक्स में छूट दी जाती थी 50%, उसी प्रकार विक्रमोत्सव मेले में भी ऑटोमोबाइल्स पर 50% की छूट दी जाएगी।